जो मिलना चाहिए अभी तक हमको कुछ नहीं मिला। दिल से हमको नहीं लगता कि मेरा घर अब बन सकता है। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं रजनी। केंद्र और राज्य सरकार खिलाड़ियों पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन हकीकत क्या है ये शायद आप समझ गए होंगे। झोपड़ी में आइकॉन है, इस खिलाड़ी को पंचायत चुनाव का आइकॉन तो बना दिया गया और इसे इसी उम्मीद के साथ आश्वासन मिलते रहे कि इसका खुद का आशियाना होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज हम आपको हकीकत बताएंगे और सवाल जवाब करेंगे इनसे जुड़े अधिकारियों के साथ। आज बात होगी झोपड़ी में आइकॉन की। जो मिलना चाहिए अभी तक हमको कुछ नहीं मिला। दिल से हमको नहीं लगता कि मेरा घर अब बन सकता है। भारतीय फुटबॉल टीम की अंडर 14 की कप्तान पश्चिमी चंपारण की नरकटियागंज की एक दलित की बेटी सोनी कुमारी बनी नगर पंचायत चुनाव की जिला आइकॉन। जी हाँ, इस बेटी ने न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी अपने खेल का लोहा मनवाया, लेकिन कई दुश्वारियों से घिरी इस बेटी की चिंता ना तो सरकार को है और ना ही प्रशासन को। देखिए रिपोर्ट। यह है कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित भारतीय फुटबॉल टीम की अंडर 14 की कप्तान दलित बेटी सोनी कुमारी। इस बेटी को नगर पंचायत के चुनाव के लिए आइकॉन बनाया गया है। अब जरा इस बेटी का घर भी देख लीजिए। इस घर को झोपड़ी भी कहना शायद ठीक नहीं होगा। दलित पन्नालाल पासवान की ये बेटी कई मुश्किलों से गुजर रही है। पिता नेपाल में तांगा चलाकर जीविका चलाते हैं और सोनी बेतिया नरकटियागंज में अपनी दादी के साथ रहती है। पिता जो पैसे भेजते हैं उसी से इसकी दाल रोटी चलती है। स्थानीय लोगों की कोशिश से सरकार से शौचालय का पैसा मिला तो शौचालय बना, फिर चापाकल भी लगा, लेकिन इस आइकॉन बेटी को सरकार ने अब तक घर नहीं दिया। इससे ये हताश और निराश है, कहती है सिर्फ आश्वासन मिलता है, घर नहीं। उसमें तो मांग से मेरा पेपर पर सब करा ही लिए हैं, सब चीज दस्तखत करा लिए हैं। मैंने हमको जो मिलना चाहिए अभी तक हमको कुछ नहीं मिला। मेरे हमको बहुत सारे लोग बोलते हैं तुम्हारे घर बनवा देंगे, हमको बहुत सारे लोग विश्वास दिलाता है। मैंने अब मेरा ना दिल से हमको नहीं लगता कि मेरा घर अब बन सकता है। वहीं सोनी के प्रशिक्षक सुनील वर्मा ने बताया है कि हर बार सोनी के लिए जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन की तरफ से आश्वासन ही मिला है। बिजली की भी व्यवस्था नहीं की गई है। घर मिलना तो दूर की बात है। वो कहते हैं सरकार से गुहार लगाते लगाते अब थक चुके हैं। यही बात फिर आप हमसे पूछे, इसके पहले भी आपने हमसे कितने बार क्वेश्चन पूछे और बहुत सारे लोग दूरदर्शन पर इसका न्यूज चला, कितना बार एक ही बात बोले कि मैंने सिर्फ आश्वासन पाया। हर अफसर लोग से SDO से DM से लेकर और सब जगह सिर्फ आश्वासन पाया और उसी के दौरान एक लैट्रिन जो बना उसमें हमको बोला गया कि आपको मैंने लैट्रिन कम से कम बनवा लीजिए। TP वर्मा कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विनोद वर्मा ने बताया कि सोनी एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी है। उन्होंने कहा है कि कॉलेज की ओर से सोनी की उच्च शिक्षा निःशुल्क कर दी गई है। वो जितना पढ़ाई करना चाहती है उसका खर्च कॉलेज वहन करेगा। सोनी के घर की स्थिति पर चिंता जताई है और कहा है कि ऐसी प्रतिभाशाली खिलाड़ी पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। स्रोत से भी हम लोग व्यवस्था करके करें, वो फ्री एजुकेशन इसका रहेगा। लेकिन दुख की बात यह है, थोड़ी सी निराशा हम लोगों को सरकार की तरफ से कही या प्रशासन की तरफ से कही है। जो घर की स्थिति है आप बेहतर जानते होंगे, किसी तरह सुनील वर्मा जी के प्रयास से इनका एक शौचालय का निर्माण हो सका, एक चापाकल की भी व्यवस्था हुई, बस स्थानीय विधायक द्वारा। निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी की उपेक्षा चिंताजनक स्थिति है। सोनी ने अपने बल पर लोहा मनवाया है। देश दुनिया जीतने वाली सोनी अपने ही शासन प्रशासन से हार रही है। ये खतरनाक हालात है। सरकार को अविलंब
इस पर ध्यान देने की जरूरत है। न्यूज इंडिया के लिए बेतिया से आशीष कुमार की रिपोर्ट। तो झोपड़ी में आइकॉन है, कोशिश ये है कि इस आइकॉन को आशियाना मिले, ये झोपड़ी नहीं चाहिए है, आश्वासन नहीं चाहिए, और इसी को लेकर हम शुरुआत भी कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे थोड़ी देर। अगर हम पहले की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से तमाम लोग कह रहे थे कि इतनी जगह पर गुहार लगा चुकी है सोनी के उम्मीद अब टूटती जा रही है, आश्वासन इतनी बार मिल चुके हैं, आशियाना नहीं मिल रहा है कि वो बार बार ये कह रही है कि बस अब वो थक गई है। जगह जगह पर लिखित में अलग अलग तरीके से आवेदन दिए गए, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? कुछ भी नहीं। आज सोनी झोपड़ी में पहले थे, आज भी है। उसने देश के लिए अपनी मेहनत की, लेकिन उस मेहनत के बदले उसे कुछ नहीं मिला। आज वो झोपड़ी में रह रही है। जैसे तैसे एक शौचालय तो बनवा दिया गया क्षेत्रीय जो नेता हैं उन्होंने, और एक चापाकल दे दिया गया, लेकिन ये झोपड़ी आज भी इसी का आशियाना बना हुआ है। घर के लिए, खिलाड़ियों के लिए बड़ी बड़ी बातें होती है कि उन्हें घर दिया जाएगा, बिहार सरकार सुनती है सबकी, केंद्र सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, इतना सारा फंड करोड़ों रुपए का आता है, लेकिन वो जाता कहां है? यह हकीकत हम बिहार की बता रहे हैं, जहां पर सुशासन बाबू से एक खिलाड़ी गुहार लगा रही है। इतने सारे शील्ड, इतने सारे मेडल, इतने सारे कप इसको मिल चुके हैं, शायद ये देखकर आप भी अंदाजा लगा चुके होंगे कि सोनी में कितना हुनर है, कितनी मेहनत की है उसने, न केवल देश बल्कि विदेश में भी पूरी शिद्दत के साथ उसने मेहनत की। ये नहीं देखा कि पढ़ना है क्या करना है, ये देखा कि हमें अपने प्रदेश, अपने देश का नाम रोशन करना है, लेकिन मिला क्या? अंधेरा और ये झोपड़ी। आशीष, इस वक्त लगातार हम कोशिश भी कर रहे हैं मेहमानों को जोड़ने की। फिलहाल हमारे संवाददाता सुनील जुड़ गए हैं। सुनील, ये झोपड़ी जिस तरीके से रह रही है यहाँ पर सोनी, कई लोगों से गुहार लगाई होगी, क्षेत्र के जो विधायक हैं उनसे भी कहा होगा, क्या कुछ आश्वासन मिलता रहा है सोनी को? हाँ मैडम, सिर्फ उनसे मिला आश्वासन, सिर्फ आश्वासन मिला उपस्थित विधायक से, और हम इसको करेंगे, लेकिन आज तक काम नहीं हुई। स्टार्ट हो गया, साल भर पहले उन्होंने आश्वासन दिया और फिर उनके तरफ से सिर्फ एक जी चापाकल हराएंगे, लेकिन विधायक हमारे प्रयासरत है, लेकिन डीएम साहब ने घोषणा की है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हम घोषणा की कि हम इसको कर लेंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं हो पाया मैडम। चलिए, बहरहाल हमारे साथ तमाम मेहमान धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। इस वक्त खेल प्रशिक्षक सुनील वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बात की जाए विनय वर्मा, जो कि कांग्रेस के विधायक है नरकटियागंज से, वो भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। विनय वर्मा जी, आपकी सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है बिहार के खिलाड़ियों को लेकर, लेकिन एक लड़की, एक खिलाड़ी इतनी मेहनत कर चुकी है, प्रदेश का नाम रोशन कर चुकी है पूरी दुनिया में, लेकिन आपके कान तक जूं तक नहीं रेंगी है, झोपड़ी में रह रही है, लिखित आश्वासन दिए, गुहार लगाई इसके बाद भी, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, वो उसका घर बनने की जहां तक बात है वो प्रोसेस में है, और पैसा जो आता है इंदिरा आवास और मद का जो भी पैसा आता है वो भारत सरकार बिहार सरकार को देती है। अभी तक हम लोग को विधायक हुए इतना दिन हो गया, भारत सरकार द्वारा जो बिहार का शहर है वो भी नहीं मिल रहा है। आप लोग राशि का रोना रोते रहते हैं, आज भी एक घर नहीं दिला सकते? विधायक निधि से भी नहीं मिल रहा है, अन्य तरीके से भी नहीं मिल रहा है? यहाँ पर कोई विधायक निधि से घर देने का कोई प्रावधान नहीं है? अरे तो कर तो सकते हैं। मुझे जो देना था जी, मैंने एक चापा मैं वहाँ पे गया और उसकी दुर्दशा मैंने देखी। मैंने वहाँ पे उस एक चापा कल हैंडपंप उसको दिया जो पानी की दिक्कत थी, और ये लड़की बहुत होनहार है और मतलब इंटरनेशनल प्लेयर है, अभी बीमार भी थी, लोगों ने मिलकर उसका इलाज कराया। आप अपनी सरकार के बारे में ये सब बता रहे हैं, शर्म आनी चाहिए कि बिहार की सरकार वादे बहुत बहुत करती है, लेकिन हकीकत में ये सब दिखाने के लिए काफी है कि हम जो दिखा रहे हैं झोपड़ी में किस तरीके से आइकन है, पंचायत चुनाव के आइकन रह चुकी है, आपने अपने स्तर से चापाकल लगा दिया और अन्य सुविधाएं दे दी, क्या आप भी मानते हैं इतना ही मिलना चाहिए इस खिलाड़ी को सरकार की तरफ से, बिहार की तरफ से? नहीं, इसे और मिलना चाहिए, और हम लोग लगे हैं कि इसका कम से कम रहने का घर बन जाए, और वो सब प्रोसेस में है। हमको उम्मीद है लगेगा?
अब जब सरकार से पैसा रिलीज हो जाए उसका घर बन जाएगा। ठीक है, कहना थोड़ा मुश्किल है, जहां पर ऐसी बातें आती है वहां पर वक्त नहीं बता पाते हैं। लेकिन हमारे साथ सुनील वर्मा जी खेल प्रशिक्षक जुड़े हुए हैं सोनी के। सुनील वर्मा जी, आपने सुना कि ठीक है विधायक साहब ये कह रहे हैं कि हम जितना कर सकते हैं उतना किया है, लेकिन क्या बिहार में सरकार जो वादे करती है, जो करोड़ों रुपए खर्च करती है, आपको लगता है खिलाड़ियों तक पहुंचते हैं वो पैसे और खिलाड़ियों को उनका लाभ मिल पाता है? सोनी की कहानी देखने के बाद तो मैडम मैं कितनों बार स्टार स्पोर्ट्स इलेवन और हम अपने शुक्रिया अदा करते थे न्यूज इंडिया का कि वो लोग ने मेरे पीछे इतना पड़ कर एक सुदूर गांव में जहां मैंने करीब 53 वर्षों से एक गरीबों को स्पोर्ट्स में पूरे इंटरनेशनल पहुंचाने का काम किया। मैंने खेल मंत्री हमारे पास सारा फोटोग्राफ है, खेल मंत्री ने सम्मान किया और बोला कि इसको हेल्प करेंगे। मैं बहुत गरीब घर का व्यक्ति हूँ, मैं जब नड़िया से जाता हूँ पटना के लिए तो चार आने जाने में 2000 रुपया खर्चा होता, मैं 4 बार गया मेरा टाटा सीस मैंने छोड़ दिया। और मैं और मैडम एक नहीं एक विधायक है जो कि फर्स्ट उसके दरवाजे तक गए हैं अभी तक मेरे जिंदगी में, उनका प्रयास तो पूरा कर ही रहे हैं लेकिन यही एक विधायक उसके दरवाजे तक गए नहीं, लेकिन कोई तो पूछने तक नहीं गया। और राहत सवाल सरकार का तो सरकार सिर्फ आश्वासन देते देते तो हम लोग छोड़ दिए सर, उसका आश्वासन मैडम लेना सिर्फ हम वही जो हाथ जोड़कर सारे बच्चों को आज तक यहाँ तक पहुँचा। बिहार की हम बात कर रहे हैं तो डिप्टी सीएम तेजस्वी खुद खिलाड़ी रहे हैं, खुद नाम रोशन करते रहे हैं, वो तो कम से कम दर्द समझ सकते हैं, खिलाड़ी कितनी मेहनत करता है उसे मिलता क्या है? कुछ नहीं। डिप्टी सीएम तो आश्वासन तो मैंने दिए है तो अब उसका अमल हो जाए तब ना। अब एक एक लफ्ज बोल दिए कि मैंने 4 बार हमको खेल मंत्री ने हमको बुलाए और हम यहाँ से गए और फिर आ जाइए फिर ऐसे पेपर बढ़ाते बढ़ाते तो मैडम हम तो जाते हैं धर्मशाला में रखते हैं, चाहे जिस सिलाई अपने जैसा उसमें रखते हैं कि कुछ मेरा कुछ बच जाता है लेकिन कुछ नहीं मिला मैडम, कुछ नहीं अभी तक आज इतने वर्षों में जब यहाँ से कितने इंटरनेशनल और नेशनल। अच्छा सुनील जी तो क्या कहें कि सब कुछ बनो लेकिन खिलाड़ी मत बनो? हाँ बस सब कुछ बनो बस खिलाड़ी मत बनो मैडम, बस यही चीज यही कह देना, बहुत बड़ी बात है बिहार सरकार के मुंह पर तमाचा होगा ये कह देना। आशीष हमारी आवाज आ रही है? जी 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 जी। बदलते वक्त के साथ ये कहना शुरू कर दिया, कहावत भी बदल गई कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे कुछ भी नहीं, शायद यहाँ कहना सही होगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया है, खेलोगे कूदोगे तो खराब ही बनोगे। यहाँ बिहार में लग रहा है खिलाड़ी कितनी भी मेहनत कर ले कुछ नहीं मिलने वाला उन्हें उनकी मेहनत का। आशीष जी जी हेलो जी रजि, मैं बता दूं कि सोनी जो है एक दलित फैमिली से आती है और दलित वर्ग से आने पर ये आज जिस मुकाम पे पहुंची अपने मेहनत के बदौलत और उनके प्रशिक्षक जो है सुनील वर्मा के बदौलत वह उस जगह पे पहुंची है, लेकिन जिस तरह का भी हालात है उसके घर के, वह उसके पिताजी आज के डेट में भी टांगा चला करके अपने घर का परवरिश करते हैं, रोजी रोटी चलाते हैं, दाल भात ताकि वो जो पैसा भेजते हैं उसी से उसकी परवरिश चलती है। लेकिन सबसे अफसोस आता है कि उसके घर पे जब जाते हैं सोनी और उसकी जो दादी है वो बताती है कि यहाँ पे सोनी अगर अपने मित्रों को जो अदर स्टेट के हैं और किसी अदर कंट्री के किसी खिलाड़ी से अगर बात कराती है तो बड़ा शर्म महसूस होता है कि कहीं वो हमारे घर पे न आ जाए और भारत की तस्वीर न दिख जाए कि हमारे अंडर 14 की जो कैप्टन है उसकी दुर्दशा क्या है। बिल्कुल, और जिस तरीके से राशि का बार बार रोना रो रहे हैं बिहार सरकार के जो विधायक हैं, चलिए केंद्र सरकार की तरफ चलते हैं, यानी बीजेपी के सांसद जुड़ गए हैं उनसे बात करते हैं। सतीश चंद्र दुबे जी, स्वागत है न्यूज इंडिया पर आपका। जी नमस्कार। थोड़ी देर पहले हम जैसे बात कर रहे थे, मोदी जी मन की बात में 10 बार कह चुके हैं कि हर तरीके के खिलाड़ियों को उभारना चाहिए, इतनी सुविधाएं देनी चाहिए सरकारों को कि वो आगे बढ़ सके, लेकिन यहाँ पर सोनी की कहानी सुनकर जब हमने विधायक से बात की बिहार की तो वो तो रोना रो रहे हैं कि केंद्र सरकार फंड नहीं दे रही खिलाड़ियों का, इसीलिए हम सोनी को एक आशियाना नहीं दे पाए। देखिए मैडम, बिहार सरकार और खास करके वहाँ के विधायक जी की जो बात हमने सुना है बहुत गौर से, वो अभी बने हुए हैं वैसे हमारे साथ। जी जी जी, तो अब बिहार सरकार के मंत्री 4 बार 5 बार स्पोर्ट्स टीचर को बुला के और उसको सम्मानजनक बात भी ढंग से नहीं करना और उसको सम्मान नहीं करना, ये बड़ी बुरी बात है।
और मेरे पास ही लोग गए थे दिल्ली में सोनी के इलाज के क्रम में मेरी मुलाकात हुई मेरी आवाज पे सुनील वर्मा जी मेरे आदरणीय बड़े भाई हैं जी जी और मेरे गुरु भी रहे हैं। मैं उसी फील्ड से स्पोर्ट्स भी रहा हूँ 1991 से लेके और 97 तक तो मैंने कहा कि इलाज में जितनी भी व्यवस्था बन सकती है मैं करूंगा और इसकी भाग्य में भाग इसके बाद जो भी हो सकता है इसके लिए मैं काम करूंगा। इसका भविष्य में मैं कामना करता हूँ कि अच्छा प्लेयर और बने और जितना हो सकता है मेरे पास होगा। न्यूज इंडिया दिखा रहा है हकीकत और हकीकत हम सबको देखनी होगी क्योंकि आप सोचिए कि क्या संदेश मिलेगा। ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, देश के खिलाड़ी भी क्या सोचेंगे कि क्या क्रिकेट ही हमारे लिए सब कुछ है? क्रिकेट के खिलाड़ी ने काम किया तो इनाम मिलेगा और बाकी बेकार है। ना मैडम, मैं जो बोल रहा हूँ थोड़ा गौर से सुनिए। मैं जो कह रहा था कि भारत सरकार के सांसद के पास पहला बार ये लोग पहुंचे हैं इस काम के लिए, तो मैंने इलाज की जिम्मेवारी ली है और साथ साथ इनकी जितनी प्रोत्साहन हो सकती है हम लोग करने के लिए तत्पर रहे हैं। वो राशि क्यों नहीं दे रहे विनय जी? अब कहिए आप, क्योंकि आपके साथ अब वो हैं जो संसद में है, जो केंद्र सरकार के करीबी है और केंद्र सरकार बीजेपी की है, बीजेपी के ही है वो। आप कहिए कि आप क्या आरोप लगा रहे थे। विनय वर्मा जी आवाज आ रही है? चलिए कोशिश करेंगे, जब ऐसा होता है तो आवाज या तो आती नहीं है या फिर फोन कट जाता है तकनीकी कारण से या कुछ और। जी बिहार सरकार की काम धंधा बिल्कुल बंद हो चुका है। बिहार में जो भी विकास की कामें थी सब ठप पड़ा हुआ है। जी इन लोगों की आपसी तालमेल ही नहीं है। कांग्रेस अलग तानातानी करता है, बीजेपी अलग तो वहाँ जदयू अलग तानातानी करता है, आरजेडी अलग तानातानी करता है। कोई भी काम इन लोगों की आपसी सहमति ही नहीं बन रही है। बिहार की विकास से पटरी से ही उतर चुका है। तो आप ध्यान देंगे कि नहीं देंगे? क्योंकि सरकार तो बिल्कुल गूंगी बहरी हो गई, उसे कुछ सुनाई दिखाई नहीं दे रहा। एमपी होने के नाते ध्यान तो देंगे ही देंगे, लेकिन मैं उस ग्राउंड का प्लेयर रहा हूँ। जी जी उस ग्राउंड से मेरी उत्पत्ति हुई है, तो मैं निश्चित रूप से ध्यान दूंगा। कब तक मिल जाएगा सोनी को उसका आशियाना? सोनी का आशियाना का जहाँ तक मामला है जी, वो तो बिहार सरकार के अधीन मामला आता है। लेकिन बार बार बिहार सरकार ये कह रही है फंड नहीं मिला खेल को लेकर, खिलाड़ियों को लेकर। बिहार सरकार ये तो माथे पे फेंक रही है। मैं डीएम से पर्सनली मिलकर आग्रह करूंगा और मेरी जो भी व्यवस्था होगी दिल्ली में उसका इलाज करने के लिए, और मैं केंद्र के जो मंत्री हैं खेल विभाग के, उनसे मैं मिलकर इसको जितना बन सकता है मैं करवाने का प्रयास करूंगा। 2017 में बन जाएगा वो सपनों का आशियाना जो सपना सोनी देख रही है बचपन से। चलिए आधार की बात तो मैडम, एक मिनट हमको बोलने दिया जाए। जी 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 बोलिए जी मैडम। वो जो एमपी का जहां बात रहा मैडम जी, वो एमपी का बात छोड़ दीजिए सर, जो भी वो एमपी हमेशा बोलता रहा आप तो इलाज के बाद तू क्या गुजरा है। एमपी साहब ने जो किया है 20-10 वर्षों से यहाँ के स्पोर्ट्स के लिए, उसके लिए छोड़ दीजिए सर। मैडम एमपी का शिकायत हम कहीं नहीं कर रहे हैं। एमपी मेरे हर दुख में हमारे साथ है। अभी हम दिल्ली गए थे क्योंकि इसके बारे में और नहीं पूछी की दर्द था। एमपी ने 4 घंटा तक उन्होंने सारा चीज कहा, भैया आप क्यों यहाँ जोड़ते हैं, हम हैं आपके साथ। और किसी मोड़ पर एमपी हमारे बहुत साथ दिए, पैसा से हमारे चाची से नहीं, इतना वर्षों से करीब। तो सुनील जी जिस तरीके से बिहार सरकार के भी विधायक कह रहे थे कि केंद्र सरकार पैसे नहीं दिए, आपको क्या लगता है क्या वाकई में ऐसा है या अपनी कमी छुपाने के लिए केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं? अब हम मैडम उतना दूर केंद्र सरकार को नहीं बोलेंगे क्योंकि हम बिहार सरकार के बारे में हम जानते हैं, केंद्र सरकार के माने हम नहीं जानते हैं। कि हमको एमपी साहब पर्सनली अगर बात कीजिए, एमपी साहब का बात नहीं उठाएगी नहीं तो हम बोलते हैं एमपी साहब का बात मत कीजिए। एमपी तो मेरा 12 बजे रात में भी और हमको 50,000 रुपए का। चलिए ये अच्छी बात है कि न्यूज इंडिया के सामने कम से कम आप निष्पक्ष रूप से बात रख रहे हैं। विनय वर्मा जी के बारे में क्या कहेंगे? विनय वर्मा जी का जितना जो डिक्शन है तो उसमें अपना करियर है। विनय वर्मा जी भी गए, अफसोस है कि साल भर से वो साल भर लगे रहते, जो आश्वासन साल भर पहले देकर आए और कंटिन्यू लगे रहते तो काम हो गया रहता। विनय वर्मा जी क्या कहें, आपकी सरकार ही आपकी नहीं सुन रही है क्या? क्योंकि बीजेपी सांसद जो जुड़े हैं उस क्षेत्र के हैं, वो खुद कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, राशि हम देते हैं, ये बिहार सरकार की नाकामी है, बस कांग्रेस और ये आपस के जो महागठबंधन है इनसे उलझे रहते हैं और किसी का ध्यान ही नहीं देते। विनय वर्मा जी आवाज आ रही है?
चले हम कहेंगे कि जल्द से जल्द ठीक करें इस तकनीकी खामी को ताकि बात हो सके विनय वर्मा जी से। आशीष आपसे जानना चाहेंगे, विनय जी तो अपनी बात कह रहे हैं बार बार तकनीकी खामियों की वजह से ठीक से बात भी नहीं हो पा रही, ना ही वो ठीक से बात रख पा रहे, लेकिन शुरुआती तौर पर जो उन्होंने कहा कि वो जो कर सकते हैं वो कर दिया है, क्या वाकई में ऐसा है? अगर बात की जाए अधिकारियों की, अधिकारी क्या कहते हैं, क्या केंद्र से पैसा नहीं मिला है इसीलिए बिहार सरकार आशियाना नहीं बन पा रही है, सच्चाई क्या है? न्यूज इंडिया पर क्या बयान दिया उन्होंने? जी मैडम, एक चीज मैं बता दूं कि इस संदर्भ में जब मैं जिला पदाधिकारी महोदय से जब मिला और सोनी के बारे में, आशियाना के बारे में मैंने जब उनसे जिक्र किया तो वो तो सबसे पहले बोले कि देखिए मैं मीडिया के सामने ज्यादा नहीं किसी तरह का बात करूंगा और न ही किसी तरह का बयान दूंगा। रह गया बात सोनी का आवास का, तो सोनी का आवास तो चूंकि वो दलित है और उसे तो चूंकि उसके पास एक धूर जमीन भी नहीं है, एक डिसमिल जमीन भी नहीं है और सरकार का ये आश्वासन ये रहता है, ये सरकार ने दावा करती है कि जो भी दलित वर्ग के खास करके हैं उन्हें घर बसने के लिए कम से कम सरकार 5 डिसमिल उन्हें जमीन मुहैया कराएगी, लेकिन वो जमीन कहाँ है? जो एक भारतीय पटल पे आ रही है, खिलाड़ी आ रही है, उभरती हुई खिलाड़ी है जो कि देश का नाम रोशन कर रही है, लेकिन उसे 5 डिसमिल जमीन भी क्यों नहीं मुहैया हुआ अभी तक? इस संदर्भ में जब तो इसीलिए नकार रोकना पड़ेगा। विनय जी आवाज आ रही है? जी आ रही है। आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि केंद्र सरकार पैसे नहीं दे रही, अब तो सांसद साहब हमारे साथ है, केंद्र की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो, अब आप उनसे भी कह सकते हैं कि कब की राशि क्या नहीं मिली है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए आखिर न्यूज इंडिया पर कि हकीकत क्या है, क्यों सोनी को आशियाना नहीं मिल पा रहा है? केंद्र सरकार द्वारा जो मांग बिहार सरकार ने किया है, बिहार सरकार को पैसा नहीं दिया जा रहा है जिससे कई स्कीमें बंद पड़ी हुई हैं। आप स्कीमों की नहीं, खिलाड़ियों की बात करिए ना, आप कहाँ के लेकर कहाँ बैठ गए हैं विनय जी? बात करी सुने, ये इंदिरा आवास जो है, ये क्या बोलते हैं, जो वृद्धावस्था पेंशन है, इसी के पैसे से ये काम होता है, आपको ब्लॉक लेवल ऐसा से ये कुछ भी नहीं है। सतीश जी आपको लग रहा है कि वृद्धावस्था पेंशन से इस बच्ची का घर बनेगा? नहीं भाई, इंदिरा आवास में बनता है घर, इंदिरा आवास का पैसा सतीश जी जो जवाब मिल रहा है वो आपके गले के अंदर उतर पा रहा है, सही लग रहा है आपको? एकदम सही बात है, भारत सरकार के द्वारा बिहार सरकार को। हेलो जी, जी बोलिए। हाँ मैं सतीश दुबे बोल रहा हूँ। ऐसा है कि विधायक जी को ये भी पता नहीं है कि इंदिरा आवास ऐसे बनेगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से बनेगा कि वृद्धा पेंशन से बनेगा। विधायक जी तो पहले किताब उठा के पढ़े कि कौन कौन स्कीमें किस किस ढंग से होता है, उसके बाद फोन लाइन पर आते तो बेहतर रहता। विनय वर्मा जी वही जो सवाल मैं भी कर रही थी कि ये क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ की बात कहाँ ले जाते हैं, स्कीम कहाँ की है, फंड कहाँ कहाँ नहीं मिला, बिहार हर बात के लिए रोना रोता रहता है। आशियाना कितने का होगा? करोड़ों का है, अरबों का है, जो आप बना नहीं पा रहे एक छोटी सी बच्ची के लिए? नहीं मैं एक बात कहूँ जी, मैं तभी एक साल से विधायक हुआ हूँ जी जी, मेरे पहले हम जो एमपी साहब आपको बात कर रहे हैं वही विधायक हुआ करते थे, उन्हीं के समय की ये बात सर है, तो उन्होंने क्यों नहीं बनवा दिया जो मेरे ऊपर इल्जाम आप लोग लगा रही हैं? तो ये सवाल सतीश जी आपसे भी है फिर? हमसे जहाँ विधायक से एमपी बन गए लेकिन सोनी झोपड़ी में ही है। सोनी झोपड़ी में है, मैं पूर्व से भी उसका मदद करते आ रहा हूँ। मैंने तो कहा कि विधायक जी को भी पता नहीं है कि कौन से स्कीम से उसका घर बनेगा, अब तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसकी मकान बनने की बात है, अब तो इंदिरा आवास रहा है नहीं। और आप जानती हैं कि जो भी सरकारें पैसा देती है केंद्र सरकार प्रदेश सरकार के माध्यम से ही खर्च होता है और उसका मालिक प्रदेश सरकार हो जाता है, तो विधायक जी वहाँ के सर्वे सर्वा है, वहाँ के मालिक हैं, वो जो चाहेंगे वही ना होगा, उनका अपना डीएम केंद्र में बिहार में उनकी अपनी सरकार है और डीएम उनके अपने हैं। तो मतलब सुन नहीं रहे हैं आप, ये कह रहे हैं कि सरकार विधायक की नहीं सुन रहे हैं, तो फिर तो बिल्कुल बिल्कुल क्या सुनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल मिसाइल पड़े हुए हैं कांग्रेस को आगे विधायक से, सुशासन बाबू से गुहार लगा रही है सोनी, आशियाना मिल भी पाएगा या नहीं मिल पाएगा? विनय जी, हाँ जी विनय जी, विनती कर रही है सोनी बार बार, न्यूज इंडिया पर भी कह रही है कि अब तो वो थक चुकी है कहते कहते, सुन लीजिए कम से कम। नहीं, उसकी जांच पड़ताल हो गई है, सिविल एसडीओ जाके वहाँ जांच पड़ताल किए हैं, उसका काम प्रोग्रेस में है और वो घर उसका बनना है, वो बन के रहेगा, लेकिन ये मेरी जिम्मेवारी उस समय तक नहीं थी जब मैं यहाँ पे विधायक नहीं था,
मैं एक साल से विधायक हूं और इसके पहले से ये चर्चा चल रही है, उसके पहले के लोग यहाँ के जिम्मेवार है, मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, मैं तो मदद कर ही रहा हूँ, मैं तो उसके मैं इसके दरवाजे पर भी जाता हूँ। कितना वक्त लगेगा विनय जी? और अब तो ये पता लगाना पड़ेगा हमको आपको विभाग से कि कब तक ये प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत कब बनेगा। इंदिरा आवास था तो आसानी से बनते थे, मैं उस समय प्रमुख हुआ करता था तो एक एक सौ घर एक दिन में मैं पास करवा के बनवाता था, लेकिन अभी जो है स्थिति ऐसी है कि पैसे के अभाव में भारत सरकार द्वारा जब पैसा आता है बिहार सरकार को तो बिहार सरकार उसको रिलीज करती है। आजकल ना वृद्धावस्था पेंशन का पैसा आ रहा है ना इंदिरा आवास जो आज उसका नाम दे दिया गया है प्रधानमंत्री आवास, कोई पैसा नहीं आ रहा है। यहाँ हम जब घूम रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो लोग उसके लिए सब हल्ला करते हैं कि हम लोग का नहीं बन रहा है, हम लोग का नहीं बन रहा है, तो पैसे के अभाव में नहीं बन रहा है और पैसे लैप्स हो जाते हैं। फिर आपकी राशि आप इतना पैसा आता है कि आप लैप्स कर देते हैं फिर? नहीं आती, मेरे फंड में जब मुझे नहीं देना है, सरकार को ब्लॉक को देना है। हाँ सतीश जी, आप लोग किस राशि का रोना रो रहे हैं, एक सांसद के नाते एक विधायक के नाते कि आप लोग पर्सनली सोनी को घर नहीं दे सकते हैं, इतना नहीं कर सकते हैं कि आप लोग की इतनी क्षमता नहीं है, करोड़ों अरबों का घर है सोनी का बनने वाला, जो आप लोग बार बार राशि का रोना रो रहे हैं एक सांसद होते हुए उस क्षेत्र के एक विधायक होते हुए। सांसद की जहां तक बात है तो सांसद उसके लिए तत्पर है, कभी भी करेंगे हम, लेकिन ये जो आरोप लगा रहे हैं विनय जी, उनको पता होना चाहिए कि केंद्र सरकार रुपया देती है और उसका प्रदेश सरकार के पास इतना भी धन नहीं रह गया है कि जो राजा जो परसेंटेज मिला के काम करना होता है जो बंद हो गया है, और बिल्कुल बिहार सरकार इस झंझट में फंसी हुई है, महागठबंधन की झंझट में फंसी हुई है, विकास के पटरी से बिहार उतर चुका है, पटरी से उतर गया है और खिलाड़ी बिहार सरकार उतर गई है। ना ना मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि मैं तो अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में हूं, उत्तर प्रदेश के चुनाव से जैसे मैं जाऊंगा सोनी के घर पे जाके और मुझसे व्यक्तिगत जितना मदद हो सकता है उसके घर बनवाने से लेके उसके इलाज तक व्यक्तिगत मैं उसका मदद करूंगा। सोनी का सपना आप साकार करें, न्यूज इंडिया पर कह रहे हैं, सोनी को आश्वासन दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, न्यूज इंडिया पे नहीं, किसी इंडिया के न्यूज पर दिखाइए हमको, हमको हम जो कहते हैं वो करते हैं, ठीक है ना, और मुझे ज्ञान भी रहता है कि मुझे कौन से काम करना चाहिए। जी 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 विनय जी, सतीश जी ने तो कह दिया है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं, बिहार सरकार जो कहती है वो करती है, मान लें क्या? न्यूज इंडिया पर आप क्या कहेंगे? जब ये सरकार में थे, जब ये विधायक थे, इन्होंने क्यों नहीं किया? ये 1912-13 की बात है, इन्होंने क्यों नहीं किया? सतीश जी सवाल का जवाब भी दे दीजिए क्योंकि वक्त बहुत कम है, क्योंकि जब सवाल वर्तमान पर होता है तो भूतपूर्व जो होते हैं पुराने उन लोगों पर भी सवाल उठते हैं कि उन्होंने अपने वक्त में क्या छोड़ा, अगर वही झोपड़ी अपने आशियाने में बदल दी होती तो आज सोनी इस तरीके से इतने सालों बाद क्यों रोती? सतीश जी, जी जी सवाल आपसे कर रहे हैं, एक विधायक कर रहा है सांसद से सवाल। देखिए विधायक जी, अब सवाल जो कर रहे हैं, उस समय शहर में मकान बनाने की कोई व्यवस्था ही नहीं थी, अब नया लंच किया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांव और देहात दोनों जगह बनेगी, और आपने ही बताया कि उसके पास, आपके आशीष जी ने बताया कि उसके पास एक धूर जमीन नहीं है, और जब तक बिहार सरकार उसको जमीन मुहैया नहीं कराएगी तो प्रधानमंत्री आवास योजना बनने का कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, इसलिए उनसे विनय जी से मेरा आग्रह है कि महागठबंधन के सरकार जो बनी है, नीतीश जी का था कि महादलित को जमीन देके आवास बनाने के लिए, तो पहले जमीन मुहैया कराएं, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक सिंपल घर मैं अपने पॉकेट से, अपने धन से, मैं अपने तनख्वाह से बनवा दूंगा। चलिए विनय जी ये आश्वासन दिया है न्यूज इंडिया पर कि वो अपने पैसे से निजी तरीके से इसको पूरे लेंगे और सोनी को घर दिलाएंगे, लेकिन जमीन क्या आप दिलाएंगे सोनी को उसके अपने पास, तरीके उसके से? पास जमीन है, सांसद जी जाके देखे, उसके पास जमीन है, आशीष सच क्या है? लेकिन एक झोपड़ी है, एक झोपड़ी ऐसा ऐसा है कि आशीष जो बताए हैं, आप आशीष से बात करें कि आशीष ने बताया कि उसके पास घर बनाने की जमीन नहीं है। आशीष हमारी आवाज आ रही है, उसका नहर के किनारे, नहर के जमीन पे, नहर के किनारे गंडक
हमको जहाँ तक पता है कि नहर के किनारे नहर की जमीन पे उसका मकान है। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना रोड के बगल में मकान है। आपसे जानना चाहेंगे क्या जमीन है जहाँ पर ये झोपड़ी बनी हुई है वो कहाँ पर है और क्या वहाँ पर आशियाना बनाना संभव है? वो नरकटियागंज के वार्ड नंबर 11 में रोड के बगल में उसका जमीन। आशीष कुमार से मदद आवाज आ रही है? आशीष हमारी आवाज आ रही है क्या? जी जी आवाज आ रही है जी। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि सोनी के पास आशियाना बनाने के लिए जमीन भी नहीं है, फिलहाल आपसे ये जानना चाहेंगे क्या हकीकत है वहाँ पर, सोनी के पास क्या जमीन है भी या नहीं? सोनी के परिजनों से जो जहाँ अभी वह रह रही है, अपनी नाना नानी के यहाँ रह रही है, उन लोगों से बात हुआ और यहाँ तक जिला पदाधिकारी ने जब बाइट यानी कि कैमरा के सामने स्टेटमेंट देने से इनकार कर दिया, तब उन्होंने दबी जबान से बोली यानी कैमरा पे नहीं बोला कि कहा कि उसके पास अभी वो जमीन भी नहीं है और हम लोग खोज दे तो उसको वहां से हटना पड़ेगा क्योंकि वो राज की जमीन है। सुन लिया? ठीक है। विनय वर्मा जी दबंगी भी यहाँ पर है कि अगर अभी जो जहाँ रह रही है अगर हम चाहें तो वो वहां से भी बेदखल कर देंगे। सुना आपने? जब कोई सवाल करता है मीडिया का बंदा तो ये बात है, वो एक कॉलोनी है, कॉलोनी में उसका जमीन है जिस पर वो रह रही है। कोई कॉलोनी नहीं है, कोई जमीन नहीं है, झोपड़ी है और झोपड़ी भी उसे नहीं कह सकते। मैं तो देख रहा हूँ, मैं तो जाता हूँ ना, जो हम दिखा रहे हैं न्यूज इंडिया पर वो भी तो देख लीजिए। मैडम मैडम नहीं नजर आ रही है? मैडम मैडम हमको जहाँ तक जानकारी है कि वो नहर डिपार्टमेंट का जमीन है, सरकारी जमीन है और उसपे लोग जिसके पास जमीन नहीं है, भूमि नहीं है, वो लोग वो मड़ई टाटी का घर बना के झोपड़ी बना के रहता है। बिल्कुल वही हमारे संवाददाता भी कह रहे हैं। सुनील वर्मा जी नेताओं के बीच में नहीं जाते हैं। बिहार सरकार की प्राथमिकता के आधार पे उस दलित व्यक्ति को कम से कम जमीन दे और घर बनवाने का काम हम लोग करेंगे। सुनील जी आपने सुना राजनीति में फंस जाता है एक खिलाड़ी और उसके बाद उसका हश्र क्या होता है, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे सोनी जहाँ पर रहती है क्या उसे झोपड़ी कहे या झोपड़ी कहना भी गलत होगा, क्या वो उसकी जमीन है? इसको लेकर आपने देखा किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। हेलो मैडम, सुनील जी। हाँ मैडम, सोनी आ गई है, सोनी से बात किया जाए। सोनी आ गई है? सोनी हाँ नमस्ते मैम। हाँ नमस्ते सोनी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके पास खुद की जमीन है, घर है? हमारे साथ विधायक और सांसद दोनों जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे, गुहार क्या लगाएंगे? मेरे पास कुछ नहीं है, घर भी नहीं है, सिर्फ हम लोग प्लास्टिक खा के रहते हैं, कुछ भी नहीं है। न्यूज इंडिया पर क्या कहेंगे दोनों नेताओं से इस वक्त, क्या चाहती हैं आप और कब से गुहार लगा रही है, कितने साल हो गए हैं आशियाने के लिए भटक रही हैं आप? 5 साल हो गया है, अभी तक हमको कुछ नहीं मिला है। दोनों नेताओं से कुछ कहेंगी आप? सांसद भी जुड़े हुए सतीश जी और विधायक भी जुड़े हैं विनय जी, कुछ कहेंगी उन लोगों से सोनी? उन लोग तो नहीं चाहेंगे कि हम लोग, हमको सिर्फ मदद करे लोग, खाने पीने का, घर और के लिए, पढ़ाई वढ़ाई के लिए। विनय जी और सतीश जी दोनों से बस आखिरी बार, सोनी की सुन ली है आपने, अब कब जो वो मांग कर रही है वो पूरी दोनों कर पाएंगे? कम से कम उम्मीद करते हैं आप दोनों से कि ईमानदारी से कोशिश करेंगे। विनय जी सबसे पहले तो आपसे। नहीं नहीं मैं मदद करूंगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, करूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं उसमें नहीं लगा हूँ, लेकिन और भी समस्या जमीन नहीं है लेकिन सोनी के पास, ये आपने सुन लिया, सोनी के मुंह से सुन लिया, जमीन नहीं है उसके पास, झोपड़ी नहीं है, कुछ नहीं है वो। विनय जी सुन लिया ना आपने? हाँ सुन लिया। चलिए अच्छी बात है कि कम से कम। सतीश जी आप और आखिरी में आपसे और जानना चाहेंगे क्या मदद कब तक, एक बार फिर से कह दीजिए कम से कम सोनी जुड़ी हुई है तो उसे संतुष्टि हो जाए। देखिए 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 हम पूर्व में भी मदद करते आए हैं प्लेयर लोगों का, अपनी एक परिवार के तरह वो फील्ड है, वो फील्ड से बहुत से मेरे साथी बहुत से फोर्स में गए, हम लोग भी उसके प्लेयर रहे हैं जी, और जी, आज ही कहते हैं, कल भी कहेंगे, परसों भी कहेंगे कि हमसे जितना निजी स्तर पे हो सकता है मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ और बिहार गवर्नमेंट आज जमीन उपलब्ध करवा दे, मैं गांव शहर में घूम के उसका बिल्डिंग बनवा दूंगा चंदा से और अपने पॉकेट से। चलिए ठीक है, कम से कम वो आश्वासन दिया, उम्मीद है अब आशियाना भी आप लोग देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चाचा भाग लेने के लिए, सतीश जी आपका, विनोद जी आपका और सुनील जी आपका, आशीष, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सोनी भी हमारे साथ जुड़ी थी उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आइकॉन जो झोपड़ी में रह रही है, कोशिश यही है न्यूज इंडिया की कि जो आश्वासन मिला है वो आश्वासन नहीं आशियाने में बदले और जल्द से जल्द झोपड़ी की जगह एक खुद का
सोनी का जो सपना है अपने मकान का, अपने आशियाने का, वो पूरा हो। बहरहाल हमें दीजिए इजाजत, तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। हमको जो मिलना चाहिए अभी तक हमको कुछ नहीं मिला, दिल से हमको नहीं लगता कि मेरा घर अब बन सकता है। We'll be right back.